उधर गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद सिंह चौहान के पिता पूर्व मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है, हमारे संवाददाता ने सुनी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से सीट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बेटा 2 साल से मुझसे लग रहता था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने साथ करके साजिश रच के हमारे परिवार में विघटन करने का काम किया है। हम किसी भी कीमत पर इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे और निश्चित रूप से एक न एक दिन वो लौट कर फिर वापस आएगा। अब मतलब आपका क्या कदम होगा इसके बाद? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारा ये संकल्प है कि आने वाले 2019 के चुनाव में जब तक नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अगर प्रचार करना पड़ा अपने बेटे के खिलाफ तो प्रचार भी करेंगे? प्रचार करूंगा, बेटे के खिलाफ जो पार्टी निर्देश होगा वो मान्य होगा। अगर पार्टी प्रचार करने गई तो पूरा प्रचार उसके खिलाफ करूंगा। तो कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि अपने बेटे के खिलाफ जो गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे और बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।